बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। वर्षों वर्ष पहले की बात है, वह समय जब मिशन अभी आरंभ ही हुआ था। उस समय गिनती की संगत होती थी और नाम मात्र के ही प्रचारक समर्पित थे। उन दिनों की बात है। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सुबह छत पर बैठे थे, सामने कुछ गुरु भाई बैठे थे। एकाएक श्री महाराज जी आकाश की ओर देख करके एक स्मित मुस्कान दी महाराज जी ने। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। सामने बैठे गुरु भाइयों ने देखा, उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी मुस्कान का कारण क्या है? आप किसे देख करके प्रसन्न हो रहे हैं? श्री महाराज जी ने उस समय कहा, जानते हो मेरे बहुत सारे बच्चे जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अपने अपने घरों में पल रहे हैं, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये जब मेरे मिशन के साथ जुड़ेंगे तो ये नवयुग में मेरे सहयोगी बनेंगे। ये जब मिशन में आएंगे तब यही होंगे जो नवयुग का ध्वज थाम करके आगे बढ़ेंगे। गुरुप्रिय साधकों, साल पर साल बीते गए और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, महाराज जी के वो बालक, महाराज जी के वो पुत्र पुत्रियां, हम आप, भारत देश विदेश में जितनी संगत है आज, सभी धीरे धीरे इस मिशन के साथ जुड़ते गए। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज इस मिशन से जुड़ा एक एक व्यक्ति, चाहे वो आश्रम में रह रहा हो या घरों में बैठ करके आप जो सुन रहे हैं, हम में से कोई भी महाराज जी की दृष्टि से कभी अछूता नहीं रहा। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे महाराज जी ने अपने नवयुग के स्वप्न को साकार करने की उम्मीद ना लगाई हो। लेकिन अब यक्ष प्रश्न है साधकों, क्या हम महाराज जी के मिशन में सच्चे सहयोगी बन पाए? क्या हम महाराज जी ने जो नवयुग की स्थापना का स्वप्न हमारे लिए सोचा था, देखा था, क्या हम सच में महाराज जी के उस नवयुग के मिशन में सहयोगी बन पाए हैं या बन पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। लेकिन समस्या यह है कि हम वर्षों से, जब से हमें ज्ञान मिला है, हम इस भक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मचिंतन करना भूल गए। बहुत दूर तक आगे निकल आए लेकिन आत्मचिंतन के गहरे सागर में गोता लगाना हम भूल गए। और शायद यही कारण है कि आज अपने एक शिष्य को श्री महाराज जी ने एक भजन लिखवाया और उस भजन में महाराज जी ने हम सबको एक आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है, जिस चिंतन में उतर करके आज हम स्वयं से ये पूछें कि क्या हम सच में श्री महाराज जी के नवयुग में सहयोगी बन पाए हैं। आज इस भजन को जब आप सुनेंगे, एक एक शब्द को गहरा उतर करके, स्थिर होकर के चिंतन करें। हमने बहुत चले हैं, हम आज तक सजनों बहुत चले हैं, लेकिन आज रुक करके, स्थिर होकर के चिंतन करें, महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं। एक बार हम श्री महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमें कहा, तुम एकांतवास करते हो क्या? हमने महाराज जी को कहा,
नहीं महाराज जी, हम तो सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। महाराज जी ने कहा, एक साधक को एकांतवास भी करना चाहिए, क्योंकि एकांतवास ही वो समय होता है जब साधक आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर पाता है, जब वो ये देख पाता है कि मैंने भक्ति पथ पर कितना अर्जित किया, मैं भक्ति पथ पर उन्नति कर रहा हूं या अवनति कर रहा हूं। यही वो समय होता है जब साधक अपने अंदर के विकारों से रूबरू हो पाता है, अपने अंदर की कमियों को जान पाता है, और फिर साधना और सेवा के द्वारा उन कमियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत हो पाता है। साधको महाराज जी ने हमें जो ये संदेश दिया, आज हम भी एकांतवास में स्थित होकर के लाभ उठाएं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इस समय को व्यर्थ ना गवाएं साधकों। इस समय का एक साधक हर समय का सदुपयोग करता है, हम भी इस समय का सदुपयोग करें, आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर करके गोता लगाएं अपने अंदर, और वो प्रश्न जो महाराज जी इस भजन के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं, वो बातें, वो संदेश जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं, उस एक एक संदेश को आत्मा की गहराइयों से श्रवण करें, चिंतन करें, आत्म मंथन करें। आए मिलकर के महाराज जी के इस संदेश को श्रवण करते हैं। जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में न लाए, जो समझे न खुद औरों को आशु प्रभु का प्यारा न होगा। नवयुग का ना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बोलाया हमारा न होगा। नवयुग का हम में से हर कोई जब समय के साथ महाराज जी के मिशन के साथ जुड़ा, महाराज जी के पास आया, तो भावनाएं हम सबकी भी शुद्ध थी, पवित्र थी, और हर कोई इसी भाव से आया था कि हम महाराज जी के मिशन में सच्चे सच्चा सहयोग देंगे, हम नवयुग लाने में महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनेंगे। और महाराज जी ने भी जब हमारी शुद्ध भावना को देखा, महाराज जी ने अपने मिशन में स्थान दिया, अपने चरणों से लगाया। लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये जो शुद्ध भावनाओं का अंबार लिए मेरे पास आए हैं, निसंदेह इनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इनके कंधे कर्म संस्कारों की गठरी से दबे पड़े हैं। जो कंधे कर्म संस्कारों का भार उठा रहे हैं, वो नवयुग का भार नहीं उठा सकते, वो नवयुग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन में आए, महाराज जी ने उसी दिन से, या यूं कहिए उसी क्षण से, महाराज जी ने हमारे कंधों को सबल बनाने के लिए हमारे कर्मों को हल्का करना प्रारंभ किया, कर्म संस्कारों की गठरी को खोलना प्रारंभ किया, ताकि मैं इनके कंधों को इतना सबल कर दूं कि ये नवयुग का ध्वज उठाने में सक्षम हो सके। इसीलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े,
महाराज जी ने हम सबको, साधकों हम सबको, चाहे हम यहां हैं, घर में हैं आप लोग, हम सबको सेवाएं दी। महाराज जी ने अपनी सेवाएं दी, हर वर्ग को सेवा दी। और महाराज जी की कार्यशैली देखिए, इतनी दिव्य महाराज जी की कार्यशैली। महाराज जी ने सेवाओं के मंच इतने विस्तृत किए, इतने विस्तृत कि समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। चाहे हमने खड़े होकर के यहां मंच पर आपको सत्संग सुना रहे हैं, या फिर आप अपने घरों में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन सेवाओं का जो ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना, हमने सेवाएं की, लेकिन साधकों सेवा करते करते हम सेवाओं के इस उद्देश्य को विस्मृत करते चले गए। हम ये भूल गए कि हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे कर्मों को काटना है। इसीलिए हमने सेवा करते करते हमारे भीतर ऐसे ऐसे अवगुण आने लग गए कि जो सेवा हम कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, वो सेवा करते करते हमने कर्मों का अंबार लगाना आरंभ कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, सेवा करते हुए हम सोच क्या रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव, अहंकार की भावना, अधिकार की भावना, इन भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हम अपने गुरु के उद्देश्य को भूल गए। और ये सब तो छोड़िए, एक ऐसा समय भी आया जब हम सब ने, हम में से कई साधक जो जा चुके हैं आज इस मिशन से, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, अरे हमने अपनी जिंदगी के 10-10 साल लगाए तो हैं सेवा में, 15-15 साल से सेवा कर तो रहे हैं, ये उलाहना देते वक्त जरा सा संकोच नहीं किया, लेकिन ये भूल गए कि जो सेवा, जिस सेवा पर आप इतरा रहे हैं, वो सेवा नवयुग लाने में तो कोई सहयोग था ही नहीं, वो सेवा तो हमारे कर्मों को काटने का माध्यम था। अभी नवयुग को लाने में जो सेवा हमने करनी है, उसके लिए तो महाराज जी हमें तैयार कर रहे थे, लेकिन हम उसी तैयारी में हमने इतनी विकृतियां ला दी कि हम महाराज जी के उद्देश्य से कोसों दूर चले गए। इसीलिए तो श्री महाराज जी को आज ये समझाना पड़ा, जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में ना लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा ना होगा। हम महाराज जी के प्रिय नहीं बन सकते, ऐसे सेवादार गुरु को प्रिय नहीं। गुरु को कौन प्रिय है? एक बार किसी सेवादार भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपको कौन सी सेवा सबसे अधिक प्रिय लगती है, कौन सी ऐसी सेवा है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी ने उनको कहा कि हमें तो सभी सेवाएं अच्छी लगती हैं, हर सेवादार वो मिशन के किसी भी फ्रंट पर क्यों नहीं खड़ा, अगर वो भावना से सेवा कर रहा है, हमें हर सेवा अच्छी लगती है। उस भाई ने कहा, महाराज जी लेकिन कोई एक ऐसी सेवा तो होगी जो आपको बहुत अधिक प्रिय है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी ने कहा, हाँ एक सेवा है, प्रचार की सेवा। जैसे ही उस भाई ने सुना, उसकी नजरें थोड़ी सी झुक गई और वो सोचने लगा कि इसका मतलब महाराज जी को प्रचारक ही अच्छे लगते हैं, हम नहीं। महाराज जी ने 2 मिनट रुके और महाराज जी ने कहा, सुनो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हमें प्रचार की सेवा अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रचार जो केवल मुख से बोलकर ना किया जाए, जिसमें आपका चरित्र बोल करके प्रचार करे,
जिसमें आपका रोम रोम बिना बोले बताए समाज को कि ये है श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य, ये है जिसके रोम रोम में ज्ञान उतरा हुआ है, ये है जिसने गुरु महाराज जी के आदर्शों को घोल करके पी लिया है। महाराज जी कहते ऐसी सेवा मुझे प्रिय है जिसका रोम रोम मेरा प्रचार करता है, रोम रोम मेरे मिशन का प्रचार करता है। साधको सोचिए, क्या हम ऐसे सेवादार बन पाए? हमने की है बहुत समय से सेवाएं की हैं इस मिशन में, लेकिन आज एक बार जरूर चिंतन करें, हम ऐसे सेवादार नहीं बन पाए। हमने तो अपनी सेवा में अधिकार की भावना ले आए, अभिमान की भावना ले आए, लेकिन महाराज जी ने तो हमें ये नहीं सिखाया था। महाराज जी ने तो कभी ये कहा ही नहीं था कि ऐसे बनना है। महाराज जी ने तो हमेशा हमें झुकना सिखाया था, विनम्रता सिखाई थी, और वैसी विनम्रता जो विनम्रता महाराज जी के चरित्र से झलकती है। आप देखिए, हम इतनी सी सेवा करते हैं, किसी एक फ्रंट पर हम सेवा करते करते जब समय बीत जाता है तो धीरे धीरे हमें ये लगने लग जाता है कि हम ही हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, और इस अभिमान में, इस झूठे दंभ में आकर के हम ना जाने कितनों कितनों का अपमान कर देते हैं, कितने शुद्ध हृदयों को तोड़ देते हैं। महाराज जी का चरित्र देखिए आप, महाराज जी के चरित्र में आपको विनम्रता की ऐसी मिसाल दिखाई देगी कि जो आपको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। महाराज जी का कुल देखिए, महाराज जी की शिक्षा देखिए, महाराज जी का पदवी देखिए, महाराज जी का गौरव देखिए। आप सभी जानते हैं महाराज जी कहाँ से आए हैं, महाराज जी की बैकग्राउंड क्या है। महाराज जी ने शिक्षा डॉक्टरेट की है, लेकिन साधकों एक बार हम सभी महाराज जी से मिले, हम सभी का एक्सपीरियंस रहा है, क्या कभी महाराज जी के चरित्र से, व्यवहार से कभी झलका कि महाराज जी ने कभी ये प्रदर्शित किया कि मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूं? महाराज जी हम जैसे बन करके इतने नीचे स्तर तक उतरे ताकि मैं इनको अपना बना सकूं, ताकि मैं इनको समझा सकूं। एक बार की बात है, जब महाराज जी खुद घूम घूम कर प्रचार करते थे, एक स्थान पर महाराज जी गए तो वहां जाकर के किसी को ज्ञान दिया, तो वो भाई ने जब ज्ञान लिया, बहुत सारे अनुभव हुए, तो उस भाई ने जिद की, महाराज जी मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे अपने साथ रख लें। महाराज श्री ने कहा, नहीं अभी तो समय नहीं आया है, अभी तो हम घूम घूम कर प्रचार करते हैं, एक समय आएगा जब हमारा आश्रम होगा, और जब हमारा आश्रम बनेगा तब बहुत सारे प्रचारक होंगे, बहुत सारे समर्पित होंगे, तब तुम आ जाना, लेकिन तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से शिक्षा अर्जित करो। समय व्यतीत हुआ, वो भाई बहुत पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बन गए। जब नूर महल का आश्रम बना, उस भाई को पता लगा, तो वो भाई अपना सामान उठा करके आश्रम में आ गए। उन्होंने कहा, महाराज जी देखो मैं आ गया। महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं अभी समय नहीं है, अभी तो हमने बुलाया ही नहीं था। उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे यहीं रख लो। महाराज जी ने कहा, देखो जब समय आएगा हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन जब वो भाई बार बार जिद करने लगे, महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है रह लो। उस समय वो भाई, जब 2 दिन ही व्यतीत हुए थे आश्रम में रहते हुए, संगत के साथ मिलते थे, तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही वो महाराज जी के पास गए और जाकर के अपना सर पकड़ लिया। कहने लगे, महाराज श्री मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, महाराज जी यहां पर जो लोग हैं वो इतने भोले हैं, संगत इतनी भोली है कि मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूं वो समझ ही नहीं पाते। महाराज जी ने मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा, हमने कहा था ना अभी ये तो बहुत भोले भाले लोग हैं, ये तुम्हारी विद्वतापूर्ण बातें नहीं समझेंगे, अभी समय नहीं आया है तुम्हारे आने का, धीरे धीरे जब प्रचार बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे विद्वत लोग भी जुड़ेंगे, तब तुम्हारी सेवा की जरूरत होगी। उस भाई ने कहा, महाराज जी लेकिन आप भी तो रहते हो इनके साथ, महाराज जी आप भी तो रह रहे हो। अब देखिए महाराज जी ने क्या कहा, महाराज जी ने कहा, हमारा क्या है, हम तो जो जैसा होता है हम वैसे ही बन जाते हैं, हमारा क्या है।
देखिए गुरु की विनम्रता, देखिए गुरु भाइयों, महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें सिखाया कि तुम्हारा चरित्र इतना विनम्र हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना लचीलापन हो कि गुरु जहां रखे वैसे तुम रह सको। महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें समझाया, देखो ये गुण तुम्हें भी अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं बन पाए। आप स्वयं चिंतन कीजिए, जब जब हमारी सेवा लगी है हम अड़े हैं, हमने यहां सेवा करनी है, हमने यहां नहीं करनी सेवा, हमने इसके साथ सेवा करनी है, इसके साथ नहीं जाना, हमारी इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ बनती है। हमने कितना तंग किया है महाराज श्री को, जो महाराज जी हमारे कर्म काट करके हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना चाहते थे, हम उस गठरी को भरते चले गए, भरते चले गए। इसीलिए श्री महाराज जी को आज ये बात लिखनी पड़ी कि ऐसे कंधे जो कर्मों की गठरी से दबे होंगे वो नवयुग कभी नहीं ला सकते। नवयुग तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कंधे जो सेवा करते हुए अपने कर्मों की गठरी नहीं हल्की कर सके, वो इतने सबल नहीं बन पाएंगे जो नवयुग में मेरा सहयोग दे सके। इसलिए नवयुग तो आएगा, लेकिन नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना होगा। किधर को धरा किधर जा रहे दोबारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग बुलाया एक बार एक गुरु भाई को महाराज जी ने पीतमपुरा आश्रम में बुलाया और उन्हें कहा कि आज तुम्हें सत्संग करना है, नीचे हॉल में इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई ने जैसे ही सुना, उस समय उनकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं थी और महाराज जी ने टॉपिक भी उनको साइंस बेस्ड टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर तुम्हें इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई नीचे हॉल में गए और उन्होंने जाकर के सत्संग किया। एक तो टॉपिक बहुत मुश्किल था, दूसरा उनकी लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे सत्संग कर तो दिया, लेकिन जितना भी फीडबैक उनको मिला वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ना तो संगत को कुछ समझ आया सामने जो बैठे थे, और ना ही वो ढंग से व्यक्त कर पा रहे थे अपनी बात को। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और वो ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने तक में जितने भी लोग उनको मिले सबने उनको कहा कि भी आज मजा नहीं आया, आज आनंद नहीं आया। वो भाई जब तक महाराज जी के कक्ष तक पहुंचे तब तक उनके अंदर आत्महीनता की इतनी ज्यादा भावना प्रबल हो चुकी थी कि वो झुके हुए कंधों से कक्ष में प्रविष्ट हुए और जाकर के प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी मैंने आज अच्छा नहीं किया ना, महाराज जी मैं अच्छे से आज आपकी सेवा नहीं कर पाया ना। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि ये तो आत्महीनता का शिकार हो चुका है, महाराज जी अपने उसी बुलंद स्वर में बोले, महाराज जी कहते, अरे नहीं नहीं, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, अरे इतना अच्छा सत्संग किया तुमने, इतना अच्छा बोले, आनंद ही आ गया। वो भाई थोड़े से उत्साहित हुए, उन्होंने कहा, महाराज जी लेकिन जितने लोग मुझे बोले मिले उन्होंने तो कहा कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज जी। महाराज जी कहते,
तो क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आनंद आया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो गुरु भाई प्रसन्न चित हो गए। सजनों, घटना बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। महाराज जी ने जब हमें सेवाएं दी तो महाराज जी ये चाहते थे कि सेवाएं करते हुए तुमने इधर उधर नहीं देखना है, तुमने लोगों को नहीं देखना है, तुमने मेरे साथ जुड़ करके रहना है। सेवा में इस बात का ध्यान रखना है मेरा गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। सेवा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करनी है, सेवा वाहवाही लूटने के लिए नहीं करनी है, सेवा तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या गलती की, एक और गलती सबसे बड़ी, हम सेवा करते करते जो सेवा की धुरी थी वो धुरी हमसे छूट गई। हम गुरु से बिछुड़ते चले गए। वो भाव जो हमें गुरु से बांध करके रखता था कि नहीं हम महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं हमें महाराज जी के लिए सेवा करनी है, नहीं हमें गुरु को प्रसन्न करना है, वो भाव कहीं लुप्त होता चला गया और हम गुरु से छूट करके जगत की ओर उन्मुख हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे सेवाओं में हमें जब ऐसे ऐसे लोग मिले, जब कर्म काटने के लिए महाराज जी ने हमें ऐसे लोगों के बीच में रखा जिनसे हमारा मतभेद होता था, तो हम कष्ट का अनुभव करने लग गए। हमें यह अनुभव होने लग गया कि नहीं नहीं हम अब और सेवा नहीं कर सकते, और हम महाराज जी के पास या अपने सेवा प्रमुख के पास चले जाते, भैया हमारी सेवा बदल दीजिए, महाराज जी हमारी सेवा बदल दीजिए, हम ये सेवा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी तब भी एक गंभीर दृष्टि हम पर डाला करते, अरे तू तो मुझे पाने आया था, तूने तो मेरी ओर ध्यान रखना था, तू कब से उनको देखने लग गया, तुझे उनको थोड़े ना देखना था, तुझे तो मुझे पाना था। महाराज जी ने हमें बहुत बार संकेत दिए और कई बार तो महाराज जी ने बोल करके भी हमें बोला, मुझे देख करके चलो, यहां सिर्फ गुरु ही पूर्ण है, अपने गुरु को देख करके चलो। क्या आप सबने ये वचन नहीं सुने, क्या नहीं है आप साक्षी महाराज जी के इस वाक्य के? लेकिन हमने महाराज जी की इस बात को सुन करके भी अनसुना किया, हम नहीं समझ पाए ये बात। और फिर हुआ क्या, सेवाओं में मतभेद हुए, मन भेद हुए और हम गुरु से दूर हुए, गुरु के मिशन से दूर हुए, गुरु के आदर्शों से दूर हुए, क्योंकि गुरु छूट गया हमसे। एक बार एक गुरु भाई किसी दूसरे सेवादार की शिकायत लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे करते हैं। महाराज जी ने कहा, अच्छा बुलाओ तो उसको। और जिसकी शिकायत लगी थी उस सेवादार भाई को भी महाराज जी ने अपने सामने बुला लिया। महाराज जी ने कहा, अच्छा क्या कह रहे थे तुम? उस भाई ने जैसी की तैसी वैसी ही सारी बात जिनकी शिकायत थी उनके सामने रख दी। जैसे ही उस भाई ने यह सुना, और वो भाई तो तुरंत ही आग बबूला हो गए, कहने लगे, महाराज जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो असत्य है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और वहां पर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। महाराज जी दोनों को देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ तुम। दोनों को बाहर भेज दिया। शाम हुई तो जिन भाई की शिकायत लगी थी वो महाराज जी के पास पहुंचे। जाकर के उन्होंने कहा, महाराज श्री आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि वो मेरी झूठी शिकायत कर रहे थे, फिर आप मेरे पक्ष में बोले क्यों नहीं? महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा, हां मैं जानता था कि वो तुम्हारी झूठी शिकायत कर रहा है और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही कहां दिया। तुम तो अपना पक्ष रखने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। फिर महाराज जी ने कहा, स्मरण रहे ये बात, गुरु उसकी आवाज बनता है जो अपनी आवाज गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, गुरु उसका कंठ बनता है
जो अपने विचार, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क वितर्क मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, मैं उसकी आवाज बनता हूँ जो मेरी रजा को रजा में राजी रह करके मेरी हर स्थिति परिस्थिति को मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करता है, मैं उसकी आवाज बनता हूँ। देखिए साधको, क्या हमने ऐसी गलतियां नहीं की हैं क्या? किधर को था जाना, किधर जा रहे हम? हमने तो गुरु को पाने के लिए चलना था, लेकिन हम किस मार्ग की ओर बढ़ गए? ये मार्ग तो महाराज जी ने हमें दिखाया ही नहीं था, ये तो वो मार्ग ही नहीं था जिस मार्ग पर महाराज जी हम सबको चलाना चाहते थे। हम तो अलग ही मार्ग पे चल पड़े जो हमें गुरु के नजदीक नहीं लेकर गया, गुरु से दूर ले गया। और सिर्फ हमने पहले नहीं ये गलतियां की गुरु भाई और गुरु बहनों, हम आज भी यही कर रहे हैं जो हम बरसों पहले, 7 साल पहले किया करते थे। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि ये अब नहीं चलेगा। हम क्यों नहीं बदले, क्यों आज भी हम वैसी ही गलतियां कर रहे हैं? क्योंकि किधर को था जाना, किधर जा रहे हम, है अल्प ज्ञान निद्रा में सुस्ता रहे हम, क्योंकि हम अल्प ज्ञान के शिकार हो गए। साधको, ये अल्प ज्ञान शब्द यह बहुत ही रहस्यात्मक शब्द है। एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान, एक होता है अल्प ज्ञान। या तो जो ज्ञानी है उसका तो कल्याण है, जो अज्ञानी है उसका भी ठीक है, एक तरफ है, उसे पता ही नहीं है। ये जो अल्प ज्ञानी है ये विनाश के उस कगार पर खड़े होते हैं जहां पर एक छोटी सी गलती उन्हें बहुत दूर तक गहरी खाई में फेंक सकती है। और आज ये मत सोचिए हमने ज्ञान ले लिया तो हम ज्ञानी बन गए, हम अल्प ज्ञानी हैं। अल्प ज्ञान मतलब हमें आधा ज्ञान है, सत्य का पूरा ज्ञान नहीं है। आज हम में से बहुत सारे लोग इस अल्प ज्ञान में जी रहे हैं कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब समय व्यतीत हो रहा है, स्थितियां परिस्थितियां विकट हो रही हैं, अब लगता है महाराज श्री के उठने का समय है, ऐसे लगता है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और फिर एक दिन महाराज श्री उठेंगे और हम महाराज जी के पास चले जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और फिर नवयुग आ जाएगा और फिर सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। ये हम सब का अल्प ज्ञान है जो ये सोच रहे हैं। आज उन्हें अपने इस अल्प ज्ञान को त्यागना होगा क्योंकि हम इस नींद में सो रहे हैं। साधको, महाराज जी के ये जो समय अब चल रहा है और महाराज जी के उठने के बीच का जो टाइम है, उस समय का हमें ज्ञान नहीं है। वो समय साधारण समय नहीं है, उस समय में बहुत कुछ होना है। और श्री महाराज जी ने प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे साधकों को ये संकेत क्या प्रत्यक्ष बोला हुआ है कि हम कब उठेंगे। हमने कहा ना कि हम चल रहे थे एक तरफ, गुरु की तरफ जाना था, हम किसी और मार्ग की ओर बढ़ने लग गए। अगर हमने गुरु की ओर नहीं गए तो फिर महाराज जी के उठने तक का समय जो है वो हम शायद ही देख पाए। गुरु भाई और बहनों, शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन यही पूर्ण सत्य है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, सन 2000 के आसपास की, कुछ गुरु बहनें समर्पित हुई। वो आई जब आश्रम में तो महाराज जी ने उन्हें बहुत दूर प्रचार के लिए भेजना था। समय व्यतीत हुआ, महाराज जी ने उनको कुछ समय दिल्ली में रोका, दिल्ली में रखा। और उन्हीं दिनों श्री महाराज जी ने उन्हें एक बार सुबह सुबह पीतमपुरा आश्रम में अपने कक्ष में बुलाया। और जैसे ही वो गुरु बहने महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी ने जाते ही कहा, कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है ना? गुरु बहनों ने कहा, महाराज जी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके साथ यहां रह करके बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी हमें तो इस पथ पर बहुत मजा आ रहा है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी थोड़ा गंभीर हो गए। महाराज जी कहने लगे, लेकिन भक्ति पथ पर तो मजा नहीं आता ना, भक्ति पथ तो खांडे की धार होता है, यहां पर तो तुम्हारा रक्त भी निकलेगा, यहां पर तो चलना बहुत कष्टप्रद होता है, तुम्हें कैसे आनंद आ रहा है? गुरु बहने थोड़ा सतपका गई कि महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं। फिर महाराज जी ने कहा, समय आने वाला सही नहीं है,
ये जो तुम देख रहे हो ना, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनेगी, बड़े बड़े स्तंभ गिरेंगे, जिनसे प्रेरणाएं लेकर के तुम मिशन से जुड़े थे, वो लोग भी एक दिन मिशन छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा समय आ जाएगा। इसलिए सावधानी से चलना है, सतर्कता से चलना है, और उस समय के दौरान हमसे भी तुम बात नहीं कर पाओगे, बाहर से हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं ले पाओगे। गुरु बहनों ने कहा, महाराज जी फिर? महाराज जी ने कहा, उस समय मेरे स्वरूप से बातें करनी है, मेरे स्वरूप से प्रार्थना करना है, ये नहीं सोचना है अगर वो नहीं टिक पाए तो हम भी नहीं टिक पाएंगे। मैं तुम सबका साथ दूंगा, मैं तुम सबके साथ चलूंगा, लेकिन मेरे से जुड़ करके रहना है, मेरे संग चलना है। और हाँ, जब ये सब हो जाएगा, डरना नहीं है, उसके बाद फिर वो समय आएगा जब पूरे विश्व में दिव्य ज्योति ही होगा, हर तरफ दिव्य ज्योति ही होगा, हर तरफ गुरु ज्ञान का डंका बजेगा, फिर वो समय आएगा। देखिए साधको, महाराज जी के उठने और नवयुग के आने के बीच का जो फेज है, वो महाराज जी ने बोल करके गुरु बहनों को बताया। और ये कोई एक घटना नहीं, दूसरी घटना। जब बहुत पहले पहले 1990s में महाराज जी ये कहा करते थे कि मैं अलोप हो जाऊंगा, तब बहुत विरोध होगा, बहुत विरोधी स्वर उठेंगे। तो एक दिन एक गुरु भाई ने बड़े भावुक होकर के महाराज जी से कहा, महाराज जी फिर आप लौटेंगे कब, आप कब लौट करके आएंगे? महाराज जी ने उन्हें कहा, मैं तब लौट करके आऊंगा जब इस मिशन में केवल वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, जिनके लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, जो जिनके हृदय में मैं बस चुका हूं, मैं उनके बुलाने पर, जब वो बुलाएंगे तब मैं उनके बुलाने पर आऊंगा। और हां, ये याद रखना, उसके बाद फिर प्रचार का ऐसा डंका बजेगा, उन लोगों से मैं विश्व में ऐसा तहलका मचा दूंगा, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजेगा। दूसरी घटना, इसमें भी महाराज जी ने नवयुग आने से पहले, महाराज जी के उठने से पहले का जो फेज है, वो महाराज जी ने बताया कि हमें गुरु प्रेम से जुड़ना पड़ेगा, हमें गुरु से जुड़ना ही पड़ेगा। और महाराज जी ने, जब से हम मिशन से जुड़े हैं, सेवाएं दे करके महाराज जी ने बार बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहा, मुझसे जुड़ो, जो मुझसे जुड़ेगा वही आगे तक चल पाएगा। लेकिन हम ना तो तब महाराज जी की बात सुन पाए और ना ही हम आज महाराज जी की बात सुन पा रहे हैं। इसलिए साधको, सुने आज ये बात, इसीलिए महाराज जी ने आज इस भजन में फिर से ये आवाहन किया है, वाणी गुरु की ना सुन पा रहे हम, जागो, ये अवसर दोबारा ना होगा, जागो, ये अवसर दोबारा ना होगा। अपनी स्वल्प ज्ञान निद्रा से हम जागें और महाराज जी से ऐसा कनेक्शन स्थापित कर लें, अंदर से जुड़ जाएं, ताकि महाराज जी के हर संकेत को हम समझ पाएं, महाराज जी की हर बात को समझ पाएं, और जब वो परीक्षा काल आए तो हम डट करके महाराज जी के इस पथ पर आगे बढ़े। आए आगे महाराज जी हमें क्या समझा रहे हैं, श्रवण करें। करें हम वही बस जो हमको है भाई। करें हम वही बस जो हमको है भाई, वो जितना बनाए हम बिगड़ते ही जाएं। गुरु भाइयों, गुरु बहनों, झांक कर देखें अपने हृदय में, महाराज जी का दर्द झलक रहा है इन पंक्तियों,
कितनी मेहनत महाराज जी ने हम सब पर की। महाराज जी ने हमें बनाने के लिए महाराज जी ने क्या क्या नहीं किया है गुरु भाई और बहनों। सबसे पहले महाराज जी ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के हमें ज्ञान दिया, वो ज्ञान जिसे सिद्ध करने के लिए श्री महाराज जी ने कितना यत्न किया था। गुरु भाई और बहनों, महाराज जी ने कितना प्रयत्न किया, कहां कहां भ्रमण नहीं किया था इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्री महाराज जी ने। गंगोत्री, यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग, असम, सिलीगुड़ी, हर क्षेत्रों में महाराज जी विचरण करते गए सिर्फ इस ज्ञान की खोज में, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और कई बार तो कई कई दिन भूखे पेट महाराज श्री सफर किया करते थे ज्ञान की खोज में। कुछ मिल जाता रास्ते में अन्न तो श्री महाराज जी खा लेते, लेकिन महाराज जी ने ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। एक बार एक गुरु भाई महाराज श्री की चरण सेवा कर रहे थे, तो जब महाराज जी की चरण सेवा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी की टांगों पर बहुत सारे निशान थे, चरणों पर महाराज जी के निशान थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये किस चीज के निशान हैं? महाराज जी ने कहा, जब हम ज्ञान की खोज में बहुत अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे थे तो एक स्थान पर जहां हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होनी थी, उस स्थान पर जाते जाते बहुत सारी जोंकें हमारी टांगों पर, हमारे पैरों पर लग जाती थी और फिर हम उन्हें उखाड़ते थे, ये उनके निशान हैं। देखिए महाराज जी ने कितना संघर्ष किया इस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, और हमें महाराज जी ने सहजता से, गुरु भाइयों बहनों हमने 4 से 5 सत्संग सुने, हमने 2 दिन की कथा सुनी, तो महाराज जी ने वो ज्ञान सहजता से हमारी झोली में डाल दिया। महाराज जी ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना तो पात्रता देखी श्री महाराज जी ने, ना कुल देखा, ना विद्या देखी, ना धन देखा, ना कोई आध्यात्मिक अवस्था देखी, यहां तक कि हमारी महाराज जी ने ये भी नहीं देखा कि हम कितने भटके हैं, कोई प्यास भी है कि नहीं। महाराज जी ने बस कहा कि बांट दो ज्ञान, सबको दे दिया। क्या ये गुरु के प्रेम की निशानी नहीं? क्या नहीं दिया महाराज जी ने? और हमें ज्ञान देते हुए अपनी संगत के लिए महाराज जी के हृदय में जो प्रेम, जो हृदय धड़कता है अपनी संगत के लिए, उसकी तो कोई शब्दों में व्याख्या भी नहीं की जा सकती। सब कुछ महाराज जी ने कहा, मेरी संगत सब कुछ है मेरे लिए, मेरे बच्चे सब कुछ हैं। क्या गुरु का प्रेम नहीं? और अपने समर्पित शिष्यों के लिए तो गुरु महाराज जी की प्रेम देखिए उनका। एक बार किसी ने प्रश्न किया था महाराज जी से, हमें याद है, उन्होंने कहा, महाराज श्री आपके जो समर्पित शिष्य होते हैं आप उनके नाम के आगे स्वामी शब्द लगा देते हैं, साध्वी शब्द लगा देते हैं, लेकिन महाराज जी अगर देखा जाए तो स्वामी तो आप हैं, ये तो आपके शिष्य हैं, वास्तविक स्वामी तो आप हैं। श्री महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने उनको कहा, सुनो, जैसे शर्मा जी का जो बेटा है वो भी शर्मा जी हो जाता है, गुप्ता जी का जो बेटा है वो भी बाय डिफॉल्ट गुप्ता जी हो जाता है, सरनेम पिता का पुत्र को मिल ही जाता है, भले ही मैं स्वामी हूं लेकिन क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं इसलिए इनको भी ये नाम अपने आप ही, इनका अधिकार है इस नाम पर। देखिए गुरु का प्रेम हृदय में, कितना हृदय महाराज जी का धड़कता है हमारे लिए। सिर्फ एक आशा है कि ये अपने आप को बना ले। और महाराज जी जानते हैं, महाराज जी ने कुछ रखा अपने पास, कुछ रखा एक, महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं, ये शक्ति गुरु का, इस शक्ति पर अधिकार है, लेकिन गुरुप्रिय साधकों महाराज जी ने वो शक्ति भी अपने पास नहीं रखी, अपने शिष्यों को दे दी और ये कहा तुम ज्ञान दिया करो। हालांकि देखा जाए ना तो हम इतने योग्य हैं कि उस शक्ति को सहेज सकें, लेकिन महाराज जी ने अपने प्रेम का एक एक कतरा हम पर लुटाया है, सब कुछ दिया है। और ये करते हुए महाराज जी को संघर्ष जानते हैं कितना करना पड़ता है। महाराज जी ने एक बार कहा था, महाराज जी ने कहा था, जब मैं किसी को चोला देता हूं, जब मैं किसी को भगवा वस्त्र देता हूं, तो मुझे सृष्टि के कई नियमों में हेर फेर करना पड़ता है उसको चोला देने के लिए, और जब मैं किसी को ज्ञान की आज्ञा देता हूं, ज्ञान दीक्षा की आज्ञा देता हूं, तो मुझे
तो सृष्टि के नियम ही पूरे के पूरे बदलने पड़ते हैं उसको ये आज्ञा देने के लिए, और ये सिर्फ इसीलिए करता हूं मैं ताकि उसका कल्याण हो जाए। देखिए गुरु का हृदय, गुरु का प्रेम, लेकिन वो जितना बनाए हम बिगड़ते जाएं। महाराज जी की संगत, जिनके लिए महाराज जी हर समय, जिनके लिए महाराज जी का हृदय धड़कता है, हम जितना महाराज जी हमारा निर्माण करते हैं, हम उतना ही अवनति की ओर, हम उतना ही पतन की गहरी खाइयों की ओर गिरते चले जाते हैं, और वही करते हैं जो हमारा मन कहता है। अपनी मनमानी हम करते रहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं। प्रमाण चाहिए आपको? एक सरल सा प्रमाण, गुरु भाइयों बहनों, सरल सा प्रमाण आप सभी के पास हर रोज सुबह एक अंतानुभूति का अनुभव आता है, चरे वेती का एक पोस्ट आती है आप सभी के फोन्स पर, मोबाइल फोन्स पर। आज ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, पूछिए स्वयं से, क्या आप हर रोज उसे पढ़ते हैं? आपको अपने आप पता लग जाएगा हम कितनी मनमानी करते हैं। पढ़ते हैं क्या हम? हम में से बहुत कम होंगे जो रेगुलर उसे पढ़ते हैं। दूसरी चीज, हमें महाराज जी की आरती, सुबह शाम आरती करने का अवसर मिलता है, लेकिन क्या हम महाराज श्री की आरती में सम्मिलित होते हैं? क्या हम कभी समय निकाल कर कि नहीं, हमारे गुरु की आरती है, हम उसमें सम्मिलित हों? क्या हम अपने अपने घरों में रेगुलर करते हैं? नहीं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कठिन साधना में ना खुद को तपाएं। क्या हम साधना करते हैं? गुरु भाइयों बहनों, हमें महाराज जी ने जब से ज्ञान मिला है और जब से महाराज श्री समाधि में गए हैं, एक बात महाराज जी ने बार बार बोली है, साधना करो, साधना करो। लेकिन हम कठिन साधना में ना खुद को तपाएं। हम साधना से तो हमारा नाता ही जैसे टूट गया है, और हम झट से ये कह देते हैं कि मन ही नहीं करता है साधना के लिए। ये क्या ये सिद्ध नहीं करता कि हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है? हमें गुरु की कार्यशैली से, हमें गुरु की मेहनत से कुछ लेना देना नहीं। ये ऐसे नहीं चलेगा अब, क्योंकि ऐसे तो आगे गुजारा ना होगा। अब अपने आप को साधना में तपाना ही पड़ेगा। आज हमारे महाराज श्री ने हमसे साधना मांगी है, गुरु भाइयों बहनों, साधना। हम अपनी साधना दें महाराज श्री को, हम महाराज जी को अपनी साधना अर्पित करें, ताकि महाराज जी आज एक जो मांग कभी महाराज जी ने हमसे ज्ञान देते वक्त भी हमसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज महाराज जी ने हमसे मांगी है, हम महाराज जी को जरूर दें। गुरु भाइयों बहनों, इस साधना से जुड़ जाएं, ऐसी साधना करें, कठिन साधना, कि हम महाराज जी के स्वप्न को पूर्ण कर सकें। अगर नहीं कर पाए तो फिर नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, क्योंकि नवयुग एक चीज मांगता है, या मिशन महाराज जी का एक चीज मांगता है हम सबसे, और इस मिशन से जुड़ने का, इस मिशन में रहने का एक अपरिहार्य, एक इनएविटेबल लॉ है, एक शर्त है, अगर इस मिशन में रहना है। वो शर्त क्या है महाराज जी हमें बता रहे हैं, आइए श्रवण करें। जो बदलेगा खुद जग बदल वो ही सकता, जग बदल वो ही सकता, तूफानों में घिर कर निकल वो ही सकता, निकल वो ही सकता, है अंधेरी खाइयां, है फिसलन का रास्ता, गिरोगे जो खुद को सुधारा एक बार YPSS की मीटिंग चल रही थी, एक भाई खड़े हुए, उन्होंने श्री महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं आपके मिशन के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं।
ये भी समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ। आपके तो बहुत सारे प्रकल्प हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी थोड़े गंभीर हुए और महाराज जी ने उनको कहा, महाराज जी ने कहा, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, सिर्फ एक काम, स्वयं को पवित्र कर लो। अगर तुमने स्वयं को पवित्र कर लिया तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं तुम्हें अपना यंत्र बना करके अपने आप ही सब कुछ करवा लूंगा, क्योंकि ये मिशन पवित्र है और ये मिशन अपने अंदर अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं करता। समझें गुरु भाइयों बहनों, समझें इस बात को। हम भी अगर चाहते हैं समाज को बदलना तो ये कोई पाखंडियों का मिशन नहीं है, ये कोई कपटियों का मिशन नहीं है कि हम अपने अंदर की बुराइयां भी साथ साथ पाल लें और साथ साथ महाराज जी के मिशन में भी सहयोगी बन जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। जो बदलेगा खुद जगत बदल वो ही सकता, जो खुद बदलेगा वही समाज को बदलने का मादा रखता है, जो स्वयं की बुराइयों को दग्ध करना जानता है वही समाज की बुराइयों को खत्म कर सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो फिर हम कभी भी महाराज जी के नवयुग में सच्चा सहयोग नहीं दे सकते। इसलिए पहले स्वयं पर काम करें, अपने अंदर की कमियों पर काम करें, अपनी कमियों को खत्म करें सतत साधना के माध्यम से। महाराज जी ने हमें समय दिया है, ऐसी साधना करें कि हमारी हर कमी दग्ध हो जाए। कमियां कौन सी हैं हमारी? वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आज एक कमी हमारी जिसके लिए महाराज जी जो बिल्कुल पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, वो है कपट। गुरुप्रिय साधकों, हम गुरु से कपट करते हैं। कैसा कपट? आप कहेंगे नहीं, हम तो कपट नहीं करते, हम तो अपने मिशन के लिए, महाराज जी के मिशन के लिए प्रति वफादार हैं। लेकिन हमें भी नहीं पता लगता हम कैसे छोटी छोटी चीजों में गुरु से कपट कर जाते हैं। हमारा व्यवहार कुछ और है, हमारी कथनी कुछ और है, हमारी करनी कुछ और है। कैसे? आप स्वयं देखें। जो लोग डट करके साधना कर रहे हैं इस समय, जो बहुत देर देर तक साधना में बैठते हैं, वो एक बार चिंतन करें, क्या जीवन में बदलाव है? क्या हमारी वाणी में, क्या हमारे व्यवहार में, क्या हमारे अंदर विनम्रता, हमारे अंदर सहनशीलता, क्या हमारे अंदर प्रेम, तितिक्षा, सहानुभूति, ऐसे गुण जन्म ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे तो इसका मतलब कहीं कुछ छूट गया है हमारा। इसका मतलब हम साधना नहीं कर रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा, हमें उसे सही करना पड़ेगा। क्योंकि दवाई खाओ और अगर रोग ही ना जाए, खाना खाओ अगर भूख ही ना जाए, तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई रोग पनप गया है। हम भी अगर साधना में बैठ रहे हैं लेकिन हमारी वाणी कर्कश है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है अपने गुरु भाइयों गुरु बहनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, तो इसका मतलब कहीं पर कुछ कमी है। और ये कमी हमें कपटियों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देती, वो हमारा कपट है, हमारा अभिमान है, अभिमान से प्रेरित कपट है हमारा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम साधना के घंटों को कम कर दें, साधना की अवधि को कम कर दें। साधना तो करनी ही है, लेकिन साथ में ये सचिंतन जरूर करें कि हमारी साधना हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला रही है कि नहीं। दूसरी चीज देखिए, हमारी कथनी और करनी में कितना फर्क है। हम में से हर कोई महाराज जी को प्रणाम करता है, आप भी करते हैं, हर रोज सुबह उठकर घर से बाहर जाते हुए दिन रात प्रणाम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रणाम का अर्थ क्या होता है? प्रणाम का अर्थ होता है कि आज के बाद जिस क्षण आपने प्रणाम किया गुरु को, इसका मतलब है आज के बाद आपकी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपनी इच्छा सब खत्म हो गई है। आपने महाराज जी को अर्पित कर दिया है सब कुछ। अब ना तो आप अपनी इच्छा महाराज जी के सामने रख सकते हैं, ना कोई जिद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। प्रणाम का अर्थ है पूर्ण समर्पण। लेकिन हम
प्रणाम करके उठते हैं, और हम में से तो कई साधक ऐसे जो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत का मतलब होता है पूर्ण समर्पण, सवाल रहित समर्पण, प्रश्न रहित समर्पण। दंडवत प्रणाम करते हैं और उठ करके 100-100 प्रश्न लगा देते हैं गुरु के सामने। महाराज जी ऐसे क्यों हो गया, महाराज जी ऐसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ये कैसा प्रणाम है हमारा, ये कैसा समर्पण है हमारा, क्या है नहीं हम कपटी। हर रोज हम सुबह शाम नमन गाते हुए कहते हैं, प्रेम आपस में करें और सबके संग मिलकर रहें। शब्द तो रोज गाते हैं, हमारा व्यवहार में झलका कभी, कभी हमने प्रेम करना सीखा एक दूसरे से, क्या ये हमारा गुरु से कपट नहीं है। निसंदेह ये कपट है। आरती करते हैं हम, आरती में कहते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको, सब अर्पित कर दिया प्रभु, तन भी अर्पित कर दिया, मन भी, धन भी अर्पित कर दिया, सब अर्पित कर दिया। लेकिन फिर जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो हम उखड़ करके बैठ जाते हैं, हम प्रश्न उठा देते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, है नहीं क्या हम कपटी। और जो कपट करता है गुरु के साथ, जिसकी कथनी और करनी में फर्क है, वो समझ ले ये बात। ऐसे कपटियों के लिए श्री महाराज जी ने लिखा है स्वयं, जो कपटी है निश्चित ही कल को मिटेगा, वो मिट जाएगा। हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते आपको कि आप हमारे अंदर क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है, हम नहीं, हो सकता है हम मजबूर हों कई बार अपने विकारों के हाथों, तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि हमारे गुरु भगवान हैं, कहते हैं कि नहीं। तो क्या भगवान हमारे इन विकारों को हर नहीं सकते, क्या महाराज जी हमारे विकारों को दूर नहीं कर सकते, क्या महाराज जी हमें साधना में नहीं बिठा सकते, बिठा सकते हैं, लेकिन हमारे वाणी में कपट है, हमारे चरित्र में कपट है। गुरु को तो भगवान कह देते हैं, लेकिन कभी उन्हें भगवान जान कर तो देखो, एक बार गुरु को भगवान समझ करके साधना में बैठ करके देखो, विकारों की क्या मजाल है आपको पद से गिरा सकें, क्योंकि गुरु भगवान है हमारे। लेकिन समस्या यह है, क्योंकि हम जाने अनजाने इतना महाराज जी से कपट कर जाते हैं, कहने को तो भगवान है, आशुतोष भगवान है, लेकिन कर्म में कभी जाना नहीं। अगर जाना होता तो ये शिकायत सुनने को ना मिलती कि साधना में नहीं बैठा जाता। क्या आपका भगवान आपको साधना में नहीं बिठा सकता, बिठा सकता है, एक बार सच्चा समर्पण करके तो देखिए। लेकिन हम नहीं बदल पाए, और अगर नहीं बदले तो इस वाणी को अपने जहन में बिठा लीजिए कि नवयुग तो आएगा, युग परिवर्तन होना ही है, उसे सुनिश्चित जानो, वो तो निश्चित है गुरुप्रिय साधकों। लेकिन हम नहीं बदल सके तो हम बदल दिए जाएंगे, हम नहीं कर पाए तो फिर नवयुग किसी और की सेवा लेगा, नवयुग किसी और के माध्यम से आ जाएगा, हमें बदलना होगा। इसलिए अंतिम समय में, सत्संग विचारों के अंतिम समय में, एक अंतिम चेतावनी जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं, इस भजन की अंतिम चेतावनी, सभी कान खोल करके सुन लें महाराज जी के ये शब्द जो महाराज जी हम सबको कह रहे हैं कि अगर अब भी ना बदले तो फिर क्या होगा, क्या होगा हमारा भविष्य। आए श्रवण करते हैं अंतिम चेतावनी को। जब भी वो शक्ति इस धरती पर आती है तो उनके दो उद्देश्य होते हैं, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भक्तों का कल्याण, भक्तों का निर्माण और धर्म की संस्थापना। महाराज श्री ने हम जैसे शिष्यों के निर्माण में 30 वर्ष लगाए। एक एक क्षण हम सबको दिया है हमारे निर्माण में, हमें बनाने के लिए। लेकिन अगर इतने समय में 30 वर्ष महाराज जी ने साकार सानिध्य दिया और 7 वर्ष आज हो चुके हैं समाधि में, जिसमें भी महाराज जी ने अपने प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी है, पग पग पर मार्गदर्शन दिया है। 37 वर्ष हमने इस मिशन में महाराज जी ने दिए हैं अपने भक्तों का निर्माण करने के लिए। लेकिन अगर आज भी हम नहीं बन पाए, अगर आज भी हम नहीं सुधर पाए, नहीं बन पाए, तो अब फिर दूसरा समय आ चुका है, धर्म संस्थापना का समय। अब समय आ गया है जब महाराज जी ने धर्म की संस्थापना करनी है, विश्व का निर्माण करना है, नवयुग का निर्माण करना है। और उसमें अगर हम नहीं सहयोगी बन पाए तो फिर गुरु कब तक हमारी प्रतीक्षा करेंगे, कब तक? अब समय नहीं रहा, अब समय बहुत कम बचा है। आप स्वयं देखिए बाहर घट रही घटनाओं की ओर। ये बाहर की घट रही घटनाएं क्या आज हमें व्याकुल और व्यथित नहीं कर रही? निस्संदेह हर साधक को कर रही है। लेकिन एक और प्रश्न हम में से हर साधक को सोचना चाहिए, क्या इस समय के बारे में महाराज जी ने हमें सचेत नहीं किया था? क्या नहीं बताया था महाराज जी ने हम सबको? जब महाराज जी समाधि में नहीं गए थे, याद कीजिए वो क्षण जब महाराज जी सामने बिठा बिठा करके हमें भजन सुनाया करते थे। आपने सबने ये सुना होगा, मानवता का खड़ा भविष्यत सर्वनाश के द्वारे, युग दृष्टा की वेदना जीवन क्रांति पुकारे। महाराज जी ने तो तब ही ये भविष्यवाणी इस समय के बारे में कहा था कि मानवता का भविष्य महानाश की ओर जा रहा है। फिर महाराज जी ने एक और भजन में हमें समझाया, कुटिल चाल कली काल चल रहा, युग की गति पहचानो, क्रूर ध्वंस का साज सज रहा, चेत उठो दीवानो, क्रूर विध्वंस होने वाला है आने वाले समय में, चेत जाओ, समझ जाओ। महाराज जी ने बार बार समझाया लेकिन हम फिर भी सोते रहे। फिर महाराज जी ने 2017 में समाधि में जाने के बाद फिर से एक अनुभव के माध्यम से हमें समझाया, जो अब है समय वो युग कल ना रहेगा, भावी की तस्वीर दिखला रहा हूं, फिर ना तू कहना ना चेताया मैंने, सो ना खो ये चेता रहा हूं। महाराज जी ने तब भी कहा 2017 में, फिर मत कहना कि मैंने नहीं चेताया, मैं चेता रहा हूं। लेकिन हमने तब भी सुना, सुनकर के अनसुना कर दिया। महाराज जी ने फिर से अपनी करुणा का परिचय दिया। फिर से 2019 में एक और अनुभव में महाराज जी ने कहा, पल भर में सब कुछ पलटेगा, परिस्थितियां अभी विकट होंगी, फिर ना कहना तुम हमको कि हम तुम्हें चेताना भूल गए। क्या महाराज जी ने नहीं चेताया था? चेताया था गुरु भाइयों बहनों, हम सबको चेताया था। लेकिन हम महाराज जी के वचनों को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, अनसुना कर दिया सुन करके। आज एक एक घटना हूबहू वैसे घट रही है जो श्री महाराज जी ने कहा था। और अब फिर से महाराज जी ने इस भजन में एक और चेतावनी दी है, मेरी चुनौती को हंस कर ना टालो। हमने तब जितनी भी चेतावनियां सुनी, हम में से कई ऐसे साधक होते थे जो अक्सर कटाक्ष करते हुए पूछा करते थे ना, भैया ये हर बार ही सुनते हैं जी, समय बड़ा भयानक आने वाला है, समय बड़ा भयानक आने वाला है, ये कब आएगा समय? देखिए आज हमने उस समय भी महाराज जी के भजनों को हंस करके टाल दिया, और आज भी हंस करके मत टालो। महाराज जी ने कहा, मेरी चुनौती को हंस कर ना टालो, समय है बहुत कम, स्वयं को बचा लो। आज फिर से एक और चेतावनी महाराज जी ने हम सबको दी है, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, अपने आप को बचा लो। जिनको ये अनुभव हुआ था, महाराज जी ने ये अनुभव करवाया था, यूं तो महाराज जी ने उनको 2015 में ही अनुभव में लिखवाया था भजन, लेकिन महाराज जी ने तब कहा कि अभी नहीं, अभी इसका समय नहीं आया है, जब समय आएगा हम तब तुम्हें बताएंगे। और आज जब ये भजन रिलीज हो रहा है, इस भजन के माध्यम से महाराज जी ने कहा, अब समय आ गया है, अब बताओ सबको कि समय है बहुत कम, स्वयं को बचा लो, अपने आप को बचा लीजिए गुरु भाइयों बहनों, स्वयं पर काम कीजिए, अब समय नहीं रहा।
अब ये छोटी मोटी ढीली ढाली साधनाओं से काम नहीं चलने वाला। अपने तपोबल से मुझको रिझालो, अपने तपोबल से मुझको रिझालो, महाराज जी ने कहा, वरना डूबोगे, वरना सहारा ना होगा, फिर तड़पते रहोगे, कहीं कोई रास्ता नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरु, यूं तो गुरु करुणा वरुणालय होते हैं, शिष्यों का निर्माण करते हैं, लेकिन लेकिन ये बात आज गांठ बांध लीजिए आप सब, कि जो गुरु के मिशन में सहयोगी नहीं होते, जो नवयुग के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाते, उन्हें नवयुग में कोई स्थान नहीं मिलेगा, उनको नवयुग में कोई स्थान नहीं मिलता। इतिहास साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध के बाद नवयुग की स्थापना की, शांति की स्थापना की, तब उनके स्वयं के परिवार वाले, उनकी स्वयं की संतानें नवयुग की शांति की स्थापना में बाधक बनकर के खड़ी हो गई। उनके स्वयं के बच्चे, स्वयं के पुत्र मदिरा पान करने लग गए, मद्यपान करने लग गए, जो एक शांत युग में जो कदापि स्वीकार्य नहीं था। भगवान कृष्ण ने बार बार समझाया द्वारिका वासियों को कि नहीं, ये गलत है, बदल जाओ, बदल जाओ। जब नहीं बदले तो फिर दुर्वासा ऋषि के माध्यम से संपूर्ण द्वारिका को श्राप मिला, और फिर वही भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने द्वारा द्वारिका का निर्माण किया था, वही द्वारिका के वासी आपस में लड़ लड़ करके मर गए। क्यों? क्योंकि उनके उस शांत युग में कोई स्थान नहीं था। ये मायने नहीं रखता कि कोई भगवान की स्वयं की संतान क्यों नहीं है, जो नवयुग के योग्य नहीं बन पाते हैं, उनको नवयुग में कोई स्थान नहीं मिलता। ये उदाहरण हमें समझाता है। इसलिए समझ जाएं, संभल जाएं, अब समय नहीं बचा है हमारे पास। हमने 7 साल गवा दिए गुरुप्रिय साधकों, हमने 7 साल गवा दिए, लेकिन महाराज जी ने अब भी समय है, ऐसा नहीं है समय चला गया, अब भी समय है। अब से ही समय को संभाल लीजिए, ऐसी साधना कीजिए, इधर उधर समय व्यर्थ गवाने का अब समय नहीं रहा। अब हमारी आध्यात्मिक जीवन की इमरजेंसी है, आप कह सकते हैं, अगर भक्ति को बचाना है, महाराज जी की मेहनत को बचाना है, और महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनना है, तो ऐसा तपोबल अर्जित कीजिए, ऐसी साधना अर्जित कीजिए, वो साधना जिसमें बदलाव हो, जिसके अंदर निर्माण हो हमारा। अगर नहीं कर पाए तो फिर हमारा भी नवयुग में कोई स्थान नहीं होगा। बड़े दुख के साथ हम नहीं कह रहे, ये महाराज जी ने इस भजन में कहा। इसलिए गुरु भाइयों बहनों, हम समझें, बहुत समय व्यर्थ गवा लिया, अब जागने की बेला है, जानने की बेला है, और ये बात हमें अपने दिमाग में आज बिठा लें। ये बात अगर नहीं बदल पाए, नहीं तपोबल अर्जित कर पाए, नहीं कठिन साधना कर पाए, तो फिर नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना। समाधि में जाने से कुछ दिन पहले ही महाराज जी ने एक स्वामी जी को अपने पास बुलाया, और महाराज जी उनसे पुराने प्रेमियों के बारे में पूछने लग गए, वो कैसा है, वो कैसा है। पटियाला के बहुत सारे पुराने प्रेमियों के बारे में महाराज जी ने पूछा, और फिर महाराज जी ने कहा, वो सब आते हैं ना, सब अच्छे से चलते हैं ना। उन्होंने कहा, जी महाराज जी। तो महाराज जी बहुत आनंद में आ गए, और महाराज जी ने कहा,
जब पुराने लोग अंत तक चलते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मेरा हृदय बहुत आह्लादित हो जाता है। इसलिए साधकों, हम भी, हमें महाराज जी ने कब से निहार रहे हैं कि कब से, हमारे जन्म से पहले से भी, कि ये आएंगे, नवयुग का ध्वज थामेंगे, तो हम भी महाराज जी की खुशी का ही सबब बने। अगर आज तक निभाया है तो आगे भी निभाएं, सतत साधना करें, ताकि जब नवयुग का ध्वज थामने की बेला आए तो वो नवयुग का ध्वज हमारे कंधों पर ही हो, हम सब के कंधों पर हो, और हम महाराज जी की प्रसन्नता के कारण बन सके, हेतु बन सके। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सबशी आशुतोष महाराज जी की जै।